देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज। शिव भक्त स्वर्गीय हंसराज वर्मा हर वर्ष सावन में पूरे माह नौलखा के ऋतुराज गार्डन स्थित शिव मंदिर में पूजन आरती के साथ ही व्रत उपवास रखते थे तथा श्रावण मास के समापन पर अभिषेक एवं शांति पाठ का आयोजन कर आयोजन को भव्य रूप से संपन्न करते थे। कोरोना काल में श्री हंसराज वर्मा के दुखद निधन के पश्चात अभिषेक एवं शांति पाठ की इस परंपरा को उनके परिजनों ने बखूबी निभाया और स्वर्गीय वर्मा की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के साथ ही इस आयोजन को अभी भी उतने ही भव्य पैमाने पर किया जा रहा है जितना स्वर्गीय हंसराज वर्मा के समय हुआ करता था। स्वर्गीय वर्मा की पत्नी सुधा हंसराज वर्मा एवं पुत्र हर्ष हंसराज वर्मा ने बताया कि इस वर्ष श्रावण मास में अधिक मास जुड़ने से लगभग 2 माह तक सतत रूप से अभिषेक पूजन किया गया। आयोजक सुधा हंसराज वर्मा, हर्ष हंसराज वर्मा, विजय सोनकर, पीसी वर्मा, प्यारे लाल वर्मा, हरदेव वर्मा, पप्पू सिलावट, अक्कू सिलावट, मनीष वर्मा, अनिल सिलावट, बिट्टू एवं राकेश सिलावट ने बताया कि इस वर्ष भी शनिवार 2 सितंबर को भगवान भोलेनाथ का अभिषेक पूजन महाआरती एवं महाप्रसादी का आयोजन विद्वान पंडितों की उपस्थिति में विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। शाम को महाप्रसादी का आयोजन हुआ जिसमें बड़ी संख्या में खटीक समाजजनों, भाजपा कांग्रेस की राजनीतिक हस्तियों, वर्मा परिवार के इष्ट मित्रों के साथ ही गणमान्य अतिथियों ने भी उपस्थित होकर महाप्रसादी का लाभ लिया। पहला बताया जी, ऋतुराज गार्डन में कार्यक्रम में क्या किस तरह आयोजन? देखिए मैं बताना चाहता हूँ आपको, हर करीबन 20 से 25 साल से मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री हंसराज जी द्वारा सावन माह में पूरे महीने भर सवा महीने का व्रत करते हैं। उसके बाद में किसी दिन शांति पाठ करते हैं, उसमें भोजन प्रसादी रखते हैं, उसमें पूरी दाल वाफले कच्ची रसोई का पूरा भोजन रहते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें अपने करीबन हर समाज के, अपने हर लोग आते हैं, समाज के महिला पुरुष बच्चे सब लोग आते हैं। वो पूरे इसमें उद्यापन करते हैं, पूरे 2 महीने के उपवास का आज उद्यापन करते हैं। 2 महीने तक भगवान जी को अपन इसमें 56 भोग का प्रसाद चढ़ाते हैं, भजन कराते हैं, भजन संध्या रहती है, सब लोगों को भोजन करवा के उनको प्रसाद बांटते 56 भोग। आप भी आइए पास। दीदी बता, हंसराज जी वर्मा द्वारा जो एक परिपाटी शुरू की गई थी वो उनके जाने के बाद भी लगातार जारी है, आप लोग उसको पूरा निभाते हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से पूरा आयोजन होता है और आज किस तरह से पूरा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ? मेरे मिस्टर करीबन 25 साल होने जा रहा है, ये 25 साल है, और मेरे मिस्टर जो करते आए हैं इनका व्रत सावन का, पूरे सावन में अभिषेक करते थे, उपवास रखते थे, यहाँ तक कि वो दूध ब्रेड यानी अपना जूते वूते सारे त्याग दिया करते थे। वो अब नहीं रहे, उनके जगह पे अब मेरा बेटा कर रहा है। मेरा बेटा 2 महीने का किया। आज क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर किए गए? आज अभी 56 भोग लगाए भगवान और भोजन प्रसादी रखे हैं जी, और सभी लोग आ रहे हैं खाना खाने के। द्वारा एक अच्छी परिपाटी शुरू की गई थी जो परिजन अभी तक उसको निभाता है, क्या कहना चाहेंगे? कालों के काल महाकाल, ऐसे हमारे देव के देव महादेव हैं, उनका जो परिपाटी है मेरे भाई हंसराज वर्मा जी ने शुरू किया था, पिछले 20 सालों से चला आ रहा था। कोरोना काल में अचानक उनके दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान हो और उनके बच्चे अब यही जो उनकी परिपाटी चलाई गई वो उसको आगे जारी रख रहे हैं। इस साल अधिक मास होने की वजह से 2 माह का अभिषेक शिव जी का हुआ है, बहुत ही धूमधाम से पंडित जो खूब अच्छे विद्वान पंडितों द्वारा किया गया है और उसी का समापन शांति पाठ से किया गया है, जो कि उसमें जो अपनी राजस्थानी जो भोजन होता है वो सभी को खिलाया जा रहा है और सुस्वाद भोजन बहुत अच्छी प्रेम से भक्तगण पा रहे हैं और यही आशा है कि ये प्रसादी इसी तरह बनती रहे और सब खाते रहें, आनंद पाते रहें और हमारे भाई की आत्मा को शांति प्रदान हो, वो हमारे लिए वापस इसी धरा पर वापस जन्म लेकर आएं ताकि हम उसका आशीर्वाद फिर हम प्राप्त कर सकें। जी ने जो ये परंपरा जो समाज में ये सावन व्रत की जो परंपरा ये दाल भले जो भोजन प्रसादी चालू करी थी, इसको नियंत्रण उनका परिवार, उनका पुत्र, उनकी पत्नी इसको नियंत्रण चालू कर रखा है और समाज की परंपरा को उन्होंने परंपरा चालू कर रखी है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे हंसराज वर्मा जी समाज को देखे गए हैं, वो समाज के एकता के लिए, समाज को जोड़ने के लिए, समाज के परि बनाने के लिए हंसराज वर्मा जी के बहुत अच्छे विचार हैं और ये कार्यक्रम को हम लोग समाज के लोग मिल के बहुत और अच्छे से एकजुटता से इस कार्यक्रम को हम लोग मनाते हैं
हंसराज वर्मा जी को याद करते हैं और उन्हीं की प्रेरणा से इस कार्यक्रम को तो समाज के लोग आगे बढ़ाते हैं। आपका नाम बताओ? अक्कू सिलावट, उनका मित्र समाज सेवक, उन्हीं से सीखा है काम करना। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।